दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 अक्टूबर सोमवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का संभवतः पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रदान करता है। दोस्तों बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, इन सभी पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों पिछले सप्ताह गोल्ड ने 1810 डॉलर से बढ़कर 1932 डॉलर हुआ। गौरतलब है कि इसकी सबसे पहले हमने आपको अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि सोने में अब तेजी का रुख नजर आ रहा है और एक हफ्ते में ही 1810 डॉलर से बढ़कर 1932 डॉलर हो गया और इसके असर भारतीय स्पॉट एवं वायदे बाजारों में भी देखने को मिला। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नवंबर महीने में अमेरिकन फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बरकरार रखने की संभावना बढ़कर अब 93.8% हो गई है और दिसंबर में ब्याज दर बरकरार रखने की संभावना 69.6% हो गई है। संभावना है कि फेड 2023 में ब्याज दर बरकरार रखेगा, इसलिए सोने को खरीदने का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध के हालात भी एक महत्वपूर्ण सोने के लिए साबित हो सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा सुनने में आ रही है कि भारत में सोने की कीमतें बढ़ने से डिमांड घट रही है, साथ साथ जो पहले गोल्ड प्रीमियम था अब डिस्काउंट में बदल गया है और चीन में भी गोल्ड के स्पॉट मार्केट का प्रीमियम घट गया है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में 16 से 1700 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ जाने के कारण इंडियन कंज्यूमर सोने की खरीदी से अब बच रहे हैं, जिसके कारण लंदन में सोने की कीमतों की तुलना में प्रति औंस 2 डॉलर के डिस्काउंट ऑफर होने लगा है, जो पहले 5 डॉलर प्रीमियम पे चल रहा था। यानी जो भाव MCX पे थे वो फिजिकल मार्केट के अंदर उससे पहले अधिक थे, अब इसमें डिस्काउंट होने लगा है। गौरतलब है कि जो डॉलर 5 डॉलर प्रीमियम था अब 2 डॉलर डिस्काउंट पे होने लगा है और चीन में भी खबर ये निकल के आ रही है कि सोने की कीमतों में प्रीमियम घटकर 40 से 60 डॉलर प्रति औंस हो गया है, जो पिछले हफ्ते 80 से 100 डॉलर प्रीमियम था। यानी उल्टी गिनती हो रही है। गौरतलब है कि नवंबर महीने में जैसे ही पहले फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर बढ़ाने के संकेत दिए थे, लेकिन अब वो स्थिर रखने की संभावना अधिक प्रबल हो रही है और साल 2023 में इस ब्याज दर बढ़ने की संभावना कम हो रही है। गौरतलब है कि सोना हमेशा से ही जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल के फ्लक्चुएशंस या उतार चढ़ाव के ऊपर अपना महत्वपूर्ण रोल रखता है। जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है या जियो इकोनॉमिकल टेंशन्स बढ़ती हैं तो निवेशक सेफ हैवन यानी सुरक्षित निवेश की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे वो सोना हो, चाहे बॉन्ड्स हो या डिवेंचर्स हो। आगे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की संभावना और लगातार रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको देखते हुए गोल्ड के अंदर यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊपरी स्तरों पर कुल मुनाफा वसूली हो तो उसमें शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। कुल मिलाकर गोल्ड के अंदर अभी सकारात्मक रूप की संभावना आला ही नजर आ रही है। फिजिकल डिलीवरी में गोल्ड जो प्रीमियम पे था अब डिस्काउंट पे ऑफर हो रहा है, वो यही वजह है कि जब बेतहाशा दाम एकदम से बढ़ते हैं तो फिजिकल डिलीवरी वाले जो निवेशक हैं वो थोड़ा थम जाते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग सोच होती है और ये भी निश्चित रहता है कि कोई खरीदेगा नहीं तो कोई बेचेगा कैसे और कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय स्तर पर सोने के दामों पर नज़र रखी जा सकती है। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।